हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ को मिले अवार्ड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो 2022 में छत्तीसगढ़ को मिले हैं। ये जो अवार्ड्स टू छत्तीसगढ़ इन 2022 है, ये आपके आगामी CGPSC CGPAPM द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। साथ में आपके कोई भी डाउट्स या फीडबैक्स आपको देने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके दे सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। ये सभी जो भी हम अवार्ड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपको छत्तीसगढ़ जनसंपर्क की वेबसाइट में दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ को जो पुरस्कार मिले हैं, वहाँ से आप इसको मिला सकते हैं। वहाँ पे ये सभी पुरस्कार के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे मोर मयारू गुरुजी। आखिरकार ये मोर मयारू गुरुजी है क्या, और क्यों ये चर्चा में रहा है, और इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ को क्या पुरस्कार मिला है। तो पहली बात तो यह एक कार्यक्रम है। मोर मयारू गुरुजी क्या है, यह एक कार्यक्रम है जो कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है ये अवार्ड, ये कार्यक्रम, ठीक है। क्या नाम है उसका, मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम। किसके द्वारा चलाया गया, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। तो इस कार्यक्रम को राष्ट्र स्तर पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है। क्या मिला है, सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है। किसने दिया है, तो स्कॉच फाउंडेशन ने दिया है। यह अवार्ड को लिया किसने है, तो लिया, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसको ग्रहण करने वाले कौन थे, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बाल, तो बाल की बात आ रही है, इसका मतलब बालक, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो वो है श्रीमती अनिला भेड़िया। कौन है, श्रीमती अनिला भेड़िया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं आयोग, और आयोग का क्या नाम है, तो छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो पूछा जा सकता है आपसे कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इस आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती तेज कुंवर नेताम। कौन है इस आयोग की अध्यक्ष, श्रीमती तेज कुंवर नेताम। तो इतनी बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इतना आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। मोर मयारू गुरुजी यह एक कार्यक्रम है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसे हाल ही में राष्ट्र स्तर का सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है। दिया किसने है, तो स्कॉच फाउंडेशन ने दिया है। यहाँ से फिर एक नोट पॉइंट आप लोग बना लीजिए, और वो नोट पॉइंट क्या है कि छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो श्रीमती अनिला भेड़िया, और छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है श्रीमती तेज कुंवर नेता, ठीक है। आशा है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे देखिए, अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण। तो ये है क्या, तो भारत सरकार की एक योजना है जो कि महत्वाकांक्षी भारत सरकार की योजना है। उस योजना का क्या नाम है, तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या नाम है, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ है कि खरीफ वर्ष 2022 से, क्या चीज, खरीफ वर्ष 2022 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण करने के लिए, तो छत्तीसगढ़ के डिजिटल भूलेख डाटाबेस, तो छत्तीसगढ़ का डिजिटल भूलेख डाटाबेस क्या है, तो वो है भुइयां। क्या है, भुइयां। तो छत्तीसगढ़ के डिजिटल भूलेख डाटाबेस भुइयां को क्या किया गया है,
उसने एकीकरण किया है। किसका? तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण छत्तीसगढ़ के डिजिटल भूलेख डेटाबेस में सीमित समय में करने के लिए इसे क्या किया गया है, इसे उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे बात आती है, हमने समझा क्या, हमने ये समझा कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। किसने सम्मान दिया? तो भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने। किसने दिया? कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने दिया। किसके तहत दिया? तो एक प्रधान महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंतर्गत मिला है। फिर बात आती है कि छत्तीसगढ़ का डिजिटल भूलेख डेटाबेस क्या है? तो भूइया है, ठीक है। तो ये अवार्ड मिला कहाँ पे? तो कोची केरल में क्या हुआ था? तो 8वीं राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित की गई थी। कब? तो अक्टूबर माह में। कितने तारीख को? तो 19 एवं 20 अक्टूबर 2022 को एक 8वीं राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ था केरल के कोची में। तो वहाँ छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार मिला है। एक बार बहुत जल्दी इसको मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। पहली बात तो छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला, किस लिए मिला? तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला। किसने दिया? तो कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने दिया। कहाँ पे दिया? तो केरल के कोची में दिया। किस कार्यक्रम के अंतर्गत मिला? तो 8वीं राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित की गई थी अक्टूबर माह में, उसमें दिया गया। छत्तीसगढ़ के डिजिटल भूलेख डेटाबेस का नाम क्या है? तो वो है भूइया, ठीक है। आशा है कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सर्वेक्षण। आखिरकार ये है क्या? तो सबसे पहली बात, ये जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। इसने क्या किया है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सर्वेक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? पूरे ईस्ट जोन में। किस जोन में? छत्तीसगढ़ पूरे ईस्ट जोन में अव्वल पे आया है, यानी कि बाजी मारी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन उसके अंतर्गत क्या बाजी मारी है? उसके अंतर्गत जो हमारे छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला एवं बालोद जिला है, तो इन्हें दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये है बाजी मारना, मतलब कि दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसको किसको? तो दुर्ग एवं बालोद को। किसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? कहाँ पे? तो पूरे ईस्ट जोन में, ठीक है। साथ ही साथ सेंट्रल जोन में, किसमें? तो सेंट्रल जोन में ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। कब दिया गया? तो गांधी जयंती के अवसर पर दिया गया। क्या था? तो स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया था। ये सब पूछा जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं पूछा जाता। फिर क्या पूछा जाएगा? तो आइए देख लेते हैं, जो पूछा जाए उस पर ध्यान देते हैं और उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सर्वेक्षण, इसके इसलिए क्या हुआ, ये सर्वेक्षण आयोजित, यानी कि सर्वे किया गया। सर्वे के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो दो जिला है, वो जिले का क्या नाम है? दुर्ग जिला और बालोद जिला। इनको जो है सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन मिली है। किसमें मिली है? तो इनको ये पूरे ईस्ट जोन के अंतर्गत इनको दूसरा और तीसरा स्थान इनको मिला है कि ये जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सर्वेक्षण के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद में सेंट्रल जोन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को ODF प्लस के लिए ODF
प्लस के लिए ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस यानी कि शौचालय बनाया भी जाएगा, यूज भी किया जाएगा, साथ में पानी की भी व्यवस्था की जाएगी, साथ में जो भी मल है उसका ठीक तरीके से उचित तरीके से उसको क्या किया जाएगा, उसका प्रबंधन, प्रबंधन के अंतर्गत बात आती है कि क्या उसके लिए देखभाल, सीवरेज ये सब जो है क्या उसके अंतर्गत उसको मैनेज किया गया है क्या, तो वो होता है ODF प्लस स्टेटस। तो इसमें छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ को, यहाँ पे जिला नहीं है, तो छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है, थर्ड पोजिशन मिला है। इतनी बातें बस याद रखना, छत्तीसगढ़ का दुर्ग बालोद सेकेंड, थर्ड पोजीशन ईस्ट जोन में, छत्तीसगढ़ पूरे सेंट्रल जोन में तीसरे पोजीशन किस में, तो ODF प्लस स्टेटस में। इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात आती है भुइयां कार्यक्रम। तो भुइयां कार्यक्रम को क्या, ये क्या है, तो भुइयां कार्यक्रम को IMC डिजिटल अवार्ड मिला है 2021 का। आप बोलोगे 2021 का, 21 में मिला नहीं, 2022 में मिला है, लेकिन ये अवार्ड ये क्या है, IMC डिजिटल अवार्ड मिला है। IMC डिजिटल अवार्ड है क्या, आओ देख लेते हैं। तो भुइया ऐसा लग रहा है कि भूमि से कुछ संबंधित है क्या, आइए देखते हैं क्या है ये। तो छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहा है क्या, तो भुइया कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ये इसको जो है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। कैसा पुरस्कार, तो छत्तीसगढ़ में कार्यालय आयुक्त जो भू अभिलेख द्वारा संचालित लैंड रिकॉर्ड्स प्रोजेक्ट है, ये क्या है, लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट, यानी कि लैंड का, पूरे भूमि का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ये भुइयां कार्य रखा जाता है। तो इस ये जो है भुइयां सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, भुइयां कार्यक्रम, भुइयां सॉफ्टवेयर को मुंबई में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था और उस प्रोग्राम में IMC डिजिटल अवार्ड से छत्तीसगढ़ के भुइयां कार्यक्रम को अवार्ड दिया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत होता क्या है, तो इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को प्रदान किया गया, भू अभिलेख, ठीक है, यानी कि लैंड का डेटा ये लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो डिजिटल हस्ताक्षरित, यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ना वो, तो डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेखों, ऑनलाइन नक्शे की उपलब्धता और पंजीयन विभाग से भुइयां के इंटीग्रेशन होने से डुप्लीकेट पंजीयन की समस्या में क्या हुआ, तो कमी लाई गई है, इसीलिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया कि आप जो है अब डिजिटल सिग्नेचर, ऑनलाइन नक्शे, पंजीयन विभाग से भुइयां के इंटीग्रेशन होने से अब कोई डुप्लीकेट पंजीयन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपने एक अच्छा कार्य किया है, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। तो भुइयां कार्यक्रम राजस्व विभाग के विभिन्न प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, यानी कि जो राजस्व विभाग है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो पारदर्शिता लाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा। क्यों, क्योंकि अब कोई डुप्लीकेट पंजीयन की कोई समस्या नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो इसमें डिजिटल रूप से हस्ताक्षर के अंतर्गत 4 करोड़ कागजात ऑनलाइन उपलब्ध है, डिजिटल हस्ताक्षर जिसमें है, तो इसमें कोई भी अब किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट पंजीयन नहीं होगा, हो पाएगा, इसीलिए पारदर्शिता के लिए और कोई भी किसी भी प्रकार का डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, तो इस कार्यक्रम को, भुइयां कार्यक्रम को अवार्ड मिला क्या, IMC डिजिटल अवार्ड, याद रखिएगा डिजिटल अवार्ड मिला है, डिजिटल अवार्ड, इतना याद रख लेना आप लोग, डिजिटल अवार्ड मिला है किसको, तो भुइयां को, किसको, तो भुइयां, नाम से पता चले भुइयां, भूमि, तो डिजिटल यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए ई गवर्नेंस अवार्ड। तो ये ई गवर्नेंस अवार्ड क्या है, तो ई गवर्नेंस अवार्ड 2021, तो ये क्या है, तो ये है कि छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का CSIG, ये क्या है, तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, क्या है, फिर से सुनिए, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप,
इनको क्या है तो ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो छत्तीसगढ़ के जो स्कूल शिक्षा विभाग का जो CSIG है, यानी कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, इसको ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। ठीक है, क्या करते हैं ये? तो स्कूली बच्चों के आंकलन एवं अभ्यास कार्य को आसान बनाते हैं, और आसान बनाने के लिए लागू टेली प्रैक्टिस के लिए रिकग्निशन कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है। टेली प्रैक्टिस जो होती है कि बच्चे इतने बच्चे हैं, क्या इनको होमवर्क मिल रहा है क्या नहीं, सब कुछ, जैसे कि आजकल जो होमवर्क्स होते हैं मेल के थ्रू भेज दिए जाते कि ये पर्टिकुलर ये होमवर्क है, तो जो टैली प्रैक्टिस हो रही है तो रिकग्निशन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को। ठीक है, कहाँ पे मिला तो उतना बात इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लो। तो प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित 19वां CSIG ई गवर्नेंस अवार्ड को छत्तीसगढ़ की ओर से प्राप्त किसने किया वो बता दिया गया है। तो शिक्षा विभाग के कौन प्राप्त किया है, तो शिक्षा विभाग के हैं डॉक्टर एम सुधीश, फिर एनआईसी की तरफ से एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी संचालक हैं श्री सोमशेखर, और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं श्रीमती ललिता वर्मा। इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है, जो कि उतना ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि ई गवर्नेंस अवार्ड मिला किसको, तो ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा विभाग का CSIG को, यानी कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप को ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, वो भी किस कैटेगरी में, तो रिकग्निशन कैटेगरी में मिला है। किसमें? रिकग्निशन कैटेगरी में मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने छत्तीसगढ़ को मिले 2022 में अवार्ड्स देखे हैं। ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी इसका आएगा, और कहीं पे भी आपको यदि क्रॉस चेक करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप छत्तीसगढ़ जनसंपर्क की वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे ये सभी चीज़ें दी गई हैं, वहाँ पे आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूँगी। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।